नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 28 अप्रैल 2021 और पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट में लगेगी अंतिम मोहर। कोरोना की रफ्तार के आगे सभी प्रबंध नाकाफी, एक सप्ताह में 11,126 पॉजिटिव, सबसे अधिक 145 लोगों की मौत। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, सूचीबद्ध हो गए सभी संस्थानों के भवन, सीएम जयराम ठाकुर ने दिया आदेश। शिमला में बढ़ते मामलों के चलते नई बंदी से राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य। हिमाचल आने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, रिपोर्ट न लाने पर होना होगा क्वारंटाइन। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान और होम आइसोलेशन ड्यूटी देंगे हिमाचल के शिक्षक। निजी अस्पतालों को कोविड रोगियों के लिए देने होंगे 50% बेड, उपायुक्त कांगड़ा ने जारी किए निर्देश। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में रिकॉर्ड 28 कोरोना संक्रमितों की मौत, एक दिन में रिकॉर्ड 2,208 नए पॉजिटिव मामले। बड़ी खबर, हिमाचल की सीमाएं सील, बसों में आने वाले लोगों को भी कराना होगा पंजीकरण। फसल बीमा में हो रहे खेल पर बीमा कंपनी और बैंकों के प्रतिनिधि तलब। हिमाचल में मिडिल क्लास को झटका देगी बिजली, मीटर सिक्योरिटी रेंट में होगा बड़ा बदलाव। शिमला में नई बंदी से लागू, बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, बिना कोविड ई पास के प्रदेश में नहीं मिलेगी एंट्री। खबरों से, चोरी छिपे आने वालों पर दर्ज होगा केस, बस में आने वालों को भी करवाना होगा पंजीकरण। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का सार, ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड। पूर्व कांग्रेस राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर का बड़ा आरोप, डॉक्टरों के आगाह करने के बाद भी सरकार ने नहीं की तैयारियां। खबर, इंदौरा से शादी समारोह में भीड़ जुटाना पड़ा महंगा, प्रशासन ने वसूला 10,000 रुपए जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट में लगेगी अंतिम मोहर। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरों को देखते हुए राज्य सरकार 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करेगी। प्री बोर्ड और मिड टर्म परीक्षा को आधार बनाकर ग्रेड या फिर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगेगी। बैठक में प्रस्ताव ले जाने से पहले विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से पूछा है कि वो इस पर क्या चाहते हैं। 10वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को कब और कैसे करवाना है, इस पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। विभाग ने स्थिति सामान्य होने पर इन परीक्षाओं को करवाने का सुझाव दिया है। उस तरह शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाएं करवाने और ऑनलाइन पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे थे। 2500 के करीब सुझाव शिक्षा निदेशालय के पास पहुंचे, इनमें से 70% अभिभावकों व शिक्षकों ने 10वीं की परीक्षाओं को न करवाकर प्रमोट करने की बात कही है, जबकि 95% सुझावों में कहा गया कि 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद 65% सुझावों में कहा गया कि शिक्षकों को स्कूल बुलाना चाहिए ताकि ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर तरीके से करवाई जा सके। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा जाएगा, अंतिम फैसला सरकार लेगी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, सूचीबद्ध हो गए सभी संस्थानों के भवन, सीएम जयराम ने दिया आदेश। कोविड समर्पित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नियर चौक में सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड 19 से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड 19 मामलों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड रोगियों के लिए बिस्तर की क्षमता को बढ़ाकर लगभग 5,000 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों और भवनों को सूचीबद्ध करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने पर इनका उपयोग मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि चिकित्सा महाविद्यालय नेहर चौक पर मरीजों के बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस महामारी से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए अपनी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के राधा स्वामी परिसर पुरोर में कोविड रोगियों के लिए 1,000 बिस्तर तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बाहर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों से आरटीपीसीआर परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने और 2 सप्ताह की अवधि के लिए होम आइसोलेशन में रहने का आग्रह किया है। शिमला में बढ़ते मामलों के चलते नई बंदी से राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार के फैसले के बाद शिमला जिला प्रशासन ने भी बंदी से लगाई है। इसके तहत हिमाचल से बाहर आवाजाही के लिए कोविन ई पास अनिवार्य होगा। इसके लिए कोविन ई पास सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिमला जिले के भीतर और प्रदेश के अन्य जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल आने वाले लोगों को भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। इस संबंध में डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना हॉटस्पॉट राज्य से आने वालों को 14 दिनों के लिए गृह संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा। राज्य में प्रवेश के समय 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और दूसरी डोज लेने पर 14 दिन का समय हो गया, उन्हें भी इससे छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। वही जो लोग स्वास्थ्य व्यापार या कार्यालय में काम के मकसद से कुछ समय के लिए किसी कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाते और 72 घंटों के भीतर वापस लौट आते, उन्हें भी क्वारंटीन की छूट रहेगी। ये इस शर्त कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र से जिले में आने वालों पर भी लागू रहेगी। वहीं ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन होने में छूट मिलेगी जो बीते 6 माह के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। 10 साल से कम आयु के बच्चों को भी क्वारंटीन से छूट होगी, बशर्ते उनके साथ आने वालों की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स संबंधित एसडीएम की निगरानी व नियंत्रण में काम करेगी। नए नियमों के अनुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैरियर कुड्डू रोहडूब फेडेस पोल में आने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। मौके पर ई पास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये नए दिशा निर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे। डीसी कांगड़ा ने जारी किया आदेश, निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए देने होंगे 50% बेड। जिला कांगड़ा में आए दिन कोविड मरीजों का बढ़ता आंकड़ा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 400 नए कोरोना मरीज जिला कांगड़ा में पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं। जिला के टीएमसी और धर्मशाला में निर्धारित क्षमता के अनुसार मरीज भर्ती है। गगल के एक निजी अस्पताल के 50 बेड मरीजों के लिए चिन्हित किए गया था। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में 50 बिस्तरों की व्यवस्था मरीजों के लिए की जा रही है। जिला प्रशासन ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए जिला में रोगियों के अस्पतालों में भर्ती होने की क्षमता का विस्तार करने की सख्त जरूरत को देखते हुए 50 वर्ष से ऊपर की क्षमता वाले निजी अस्पतालों के 50% बेड को कोविड-19 के रोगियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि सूर्य अस्पताल राजा का तालाब, श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा, हिमाचल हेल्थ केयर फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा, मैपल लीफ कांगड़ा, सिटी अस्पताल गुरकंडी कांगड़ा, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज ईस्ट रोड पालमपुर, नवजीवन अस्पताल ज्वालामुखी तथा लेक अस्पताल धर्मशाला में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनता के कल्याण के लिए ये आदेश जारी किए गए। हिमाचल आने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, रिपोर्ट न लाने पर होना होगा क्वारंटाइन। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू आरंभ होने जा रहा है। प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू आरंभ होने के बाद नई गाइडलाइंस संबंधी डीसी ऊना राघव शर्मा ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज से नाइट कर्फ्यू प्रारंभ होने से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि इस दौरान मालवाहक वाहन, मेडिकल, एमरजेंसी उद्योगों की गाड़ियां, इंटरस्टेट बसों व ट्रेन से आने वाले लोग, दाह संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को इस आवाजाही में छूट प्रदान की जाएगी। वहीं उन्होंने ऊना बॉर्डर पर आने वाले लोगों के लिए कहा है कि कोई भी व्यक्ति हाई कोविड राज्य से हिमाचल में प्रवेश करता है तो उसे 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। यदि भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं आते तो वे जिस भी स्थान पर जा रहे हैं वहां पर उसे कोविड नियमों के तहत 14 दिन तक क्वारंटाइन पूरा करना होगा। क्वारंटाइन के दौरान 7 दिन बाद उस व्यक्ति का टेस्ट होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हिमाचल आने वाले लोगों के लिए अब ई पास भी आवश्यक होगा। ई पास होने के बाद ही उसे हिमाचल की बॉर्डर से प्रवेश दिया जाएगा। ऊना के बॉर्डर पर यात्री बसों, निजी वाहनों की भी चेकिंग की जाएगी। यदि इन वाहनों में आने वाले व्यक्तियों के पास ई पास है तो वे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उन्हें पहले पंजीकरण करवाना होगा। बोर्ड पर प्रशासन की टीम द्वारा पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही। डीसी शर्मा ने कहा है कि शादियों के लिए वर और वधु दोनों पक्षों की ओर से कुल 50 लोगों की अनुमति है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोरोना वैक्सीन अभियान और होम आइसोलेशन ड्यूटी देंगे हिमाचल के शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अब कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की पूछताछ के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया कि शिक्षण संस्थानों के बंद होने के चलते सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की ड्यूटी वैक्सीनेशन और होम आइसोलेशन के कार्यों में लगाने का फैसला लिया है। शिक्षा निदेशकों को सभी शिक्षकों तक इन आदेशों की जानकारी पहुँचाने को कहा गया है। प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में इस कार्य में स्टाफ की कमी पेश न आए इसके लिए शिक्षकों की सेवाएं लेने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 28 अप्रैल से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी बंदी से लगाई गई है।
बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के प्रदेश में आने वालों को घर में रहने को कहा गया है। इस फैसले को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की सेवाएं भी ली जाएगी। उधर सरकार के इस फैसले का हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने स्वागत किया है। बड़ी खबर, हिमाचल में मिडिल क्लास को झटका देगी बिजली मीटर सिक्योरिटी रेंट में होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन की जरूर राशि यानी मीटर सिक्योरिटी रेंट आपकी बिजली के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। ये राशि हर साल रिव्यू होगी, यानी ज्यादा बिजली खर्च की जाएगी तो उसके हिसाब से एवरेज आधार पर ये सिक्योरिटी राशि बढ़ाई जाएगी। इससे वे लोग जिनकी बिजली की खपत ज्यादा नहीं और गरीब लोग हैं उनके लिए ज्यादा फायदा रहेगा, परंतु मिडिल क्लास व्यक्ति को हर साल बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि देनी होगी। सूत्रों के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को 3 किस्तों में ये राशि चुकता करने का विकल्प बिजली नियामक आयोग ने दिया है। राज्य के बिजली नियामक आयोग ने हाईकोर्ट से हुए फैसले के बाद इस मामले को रिव्यू किया है, इस पर अपना नया फैसला दिया है। पहले यहाँ पर सभी के लिए एक ही तरह की सिक्योरिटी राशि तय थी, यानी जो उपभोक्ता 1 किलोवाट बिजली का कनेक्शन लेकर उतनी बिजली की खपत करता था उसे भी यही सिक्योरिटी राशि देनी पड़ती थी और जो ज्यादा खपत करता था उसे भी यही राशि दी जाती थी। अब बिजली नियामक आयोग ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए कि 120 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सिक्योरिटी राशि बिजली कनेक्शन पर शुरुआत में ली जाएगी। इसके बाद हर 6 महीने व 1 साल में उपभोक्ताओं की खपत के आधार पर इसका रिव्यू होगा। उसी फॉर्मूले के आधार पर यानी एवरेज बिलिंग के आधार पर ये राशि बढ़ती रहेगी। चोरी छिपे आने वालों पर दर्ज होगा केस, बस में आने वालों को भी करवाना होगा पंजीकरण। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल के एंट्री पॉइंट पर सख्ती बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जिला ऊना के DC राघव शर्मा ने कहा है कि बाहर से आने वालों पर कुछ सख्त पाबंदियां लगाई गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान DC ऊना ने कहा है कि चोरी छिपे जिला में प्रवेश करने वालों व क्वारंटीन नियम न मानने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बस के जरिए जिले में प्रवेश करने वालों को भी पंजीकरण करवाना होगा। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 28 कोरोना संक्रमितों की मौत, एक दिन में रिकॉर्ड 2208 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 28 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में एक दिन में रिकॉर्ड 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी 5, शिमला 3, ऊना 2 और सिरमौर में भी 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि किन्नौर, चंबा और हमीरपुर में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 2208 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले 20 अप्रैल को एक दिन में सर्वाधिक 1928 नए मामले आए थे। कांगड़ा में रिकॉर्ड 631 नए मामले आए, सोलन 266, मंडी 294, सिरमौर 247, ऊना 179, चंबा 114, कुल्लू 103, हमीरपुर 132, शिमला 95, बिलासपुर 87, किन्नौर 43, लाहौल स्पीति में 17 पॉजिटिव मामले आए। वहीं मंडी के धर्मपुर में HRTC के 4 चालक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके चलते डिपो के सभी बस रूट 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 91,350 पहुँच गया है। इनमें से अब तक 74,773 संक्रमित ठीक हो चुके। सक्रिय कोरोना के मामले 15,151 हो गया है। अब तक 1374 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होते ही गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया। मंगलवार को ऊना जिले में सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। ऊना में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। केलांग, कल्पा और मनाली के अलावा प्रदेश के सभी जगह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम पारा भी चढ़ गया है। सोमवार रात को प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान नाहन में 18.9 डिग्री दर्ज हुआ था। हिमाचल में बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 23 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार है। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 1 मई तक मौसम साफ रहेगा। 2 मई से इन जिलों में बारिश की संभावना है। शादी समारोह में भीड़ जुटाना पड़ा महंगा, प्रशासन ने वसूला 10,000 रुपए जुर्माना। कोरोना महामारी से निपटने हेतु प्रशासन द्वारा जनहित के मद्देनजर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। वही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन अब सख्त हो गया है, जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्वयं शादी समारोह आदि में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस बारे में अलग अलग टीमें बनाई गई है, जिन्होंने इंदौरा तहसील के मोटली व बाई अटरिया स्थित मैरिज पैलेस में शादी समारोह में अचानक दबिश दी व नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों से 5,000 रुपए नकद जुर्माना वसूल किया गया।